प्रभारी मंत्री से लेकर कलेक्टर को दे चुके हैं आवेदन, ना आवास मिला ना बिजली पानी, 20 साल से परेशान। शिवपुरी शहर के चंदनपुरा में रह रहे करीब आधा सैकड़ा से अधिक गरीब भूमिहीन आवासहीन लोह पीटा घुमक्कड़ जाति के लोगों की फरियाद ना सुनकर सुन रही है ना प्रशासन। यहां के लोगों ने बताया कि वह पिछले 20 वर्षों से नगर पालिका क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की अधिकांश योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है। वह पिछले 20 वर्षों से लगातार प्रभारी मंत्री से लेकर कलेक्टर को आवेदन दे चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। मंगलवार को एक बार फिर से कलेक्टर की जनसुनवाई में पहुंचे लोगों ने बताया है कि वह नव गृह मंदिर के सामने कमलागंज शिवपुरी में झोपड़ी बनाकर रहते थे, जहां से उन्हें चंदनपुरा शिफ्ट कर दिया गया है। यहां चंदनपुरा में न लाइट है न पानी की कोई व्यवस्था। उन्हें सरकार की महत्वाकांक्षी जन जन आवास योजना का भी लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण से वह कच्ची झोपड़ियों में रहने के लिए मजबूर हैं। कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे लोह पीटा समाज के लोगों ने आवास और बिजली पानी की सुविधाएं उपलब्ध कराने की प्रशासन से मांग की है। देखिए खबर। क्या नाम है तुम्हारा? कालू राम। कहाँ से आए हो? हम यहाँ शिवपुरी से आए। चंदनपुरा से आए हो? आए तो चंदनपुरा, उन्होंने डाल दिया सब हमारे लिए। पहले कहाँ रहते थे? यहाँ शिवपुरी नवेगरी मंदिर के पास में रहते। तो यहाँ से हटाकर कहाँ पहुँचा दिए तुम्हें? मैं वहाँ डाल दिए, कहाँ वहाँ चंदनपुरा डाल दिए सब। अब क्या समस्या आ रही तुम्हें वहाँ पे? हमारी ये समस्या, वहाँ डाल तो दिए पर हमारी कोई सोचना नहीं कर रही। आज से हमारे लिए 10-12 साल हो गई है, ये आवाज दे दे या अबंदर दे दे के वो रख लेते हैं, वहाँ पहुँचता नहीं है, साहब पे पहुँचता नहीं है। और बहुत साहब पे नहीं पहुँचेंगे जब तक ये वहाँ आदेश नहीं आ गया, जब ये हमारे लिए का नहीं दे रही, आदेश करते नहीं है और वहाँ से आदेश आता नहीं। क्या नहीं मिल रहा तुम्हें? क्या क्या नहीं मिल रहा हमारे लिए? ये नहीं मिल रहा हमारे लिए, आवाज की आदेश नहीं आ रहा, आवाज नहीं मिल रही है, पट्टे नहीं मिल रहे है, पानी नहीं मिल रहा, लाट नहीं मिल रही है। और हमारे लिए डाल दिए वहाँ, उन्हें ही डाले हमारे लिए कोई मंत्री। पहले आधे पहले आश्वासन दिया था कि सब देंगे। हाँ ये है, हमारे लिए डाल दिए, मंत्री ने आदेश करा और मंत्री ने आदेश यहाँ कलेक्ट्री में करा और कलेक्ट्री से हमको चंदनपुरा डाल दिए। अब हमारा वहाँ तो कोई सुनवाई नहीं सुन रहे, कोई नहीं। अब ये सोचना कर रहे हैं हमारी झोपड़ी मेरी 15 साल की, ईंटें मीटे वैसे बना ली है पूरी, अब वहाँ से हमारे लिए हटाने की कोशिश कर रहे हैं साहब, तो हमें वहाँ से नहीं हटेंगे, चाहे मर जरूर जाएंगे पर हटेंगे नहीं। वहाँ से यही कह रहे हैं, यहाँ कहीं कह रहे हैं, यही कह यहाँ कई लोग कह रहे हैं, ये कर्मचारी है नहीं पूरे यहाँ अपने कलेक्ट्री में, जो पूरे कह रहे हैं यहाँ से हट के तुम्हें दूसरी जगह डाले, वो गांव के हटवा रहे हैं हमको।